एक हाथ से लगाओ हल्का हल्का सा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, दूसरे हाथ से लगा हल्का सा, इस वाले हाथ से, ये फिंगर से लगा दे ऐसे जैसे मान लगा रही है, इस वाले हाथ से लगा दे, इस वाले हाथ से, इसमें तो ज़्यादा कलर है, इस वाले हाथ से लगा फिंगर से, देख इधर दिखा मुझे आप, बस हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो कान्हा जी को, बस बस पार्थ ज़्यादा मंद गिरा दिए कपड़ों पे, पार्थ पार्थ हैप्पी होली मम्मा, मैं नहीं लगा रही बेटे भी ठीक है, गल पर कर दो मार, सो गाइज ये है हमारी कलरफुल वाली होली की मॉर्निंग, मतलब ये ना व्लॉग कब से मेरे पास है, होली को भी एक हफ्ता हो गया है, अब तक एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, होली अभी अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और पार्थ और वानी की होली स्टार्ट हो गई है, आओ तुम दिखा दो बैलून, ऐसे वाले बैलून भर रहे हैं ग्रीन वाले, ये लो पानी वाले बैलून, देखो इन दोनों ने क्या हाल मचा रखा है, सब जगह पानी पानी और दोनों बिल्कुल गीले हो चुके हैं, ये देखो दूध पियो चलो दोनों पहले अपना, ये देखो पार्ट की हालत, यानी यानी गीला करना, सॉरी इधर इसमें डालो, बाल्टी में डालो, बाल्टी में डालो, डालो बाल्टी में, दूध पियो पहले फिर मैं बाल्टी वहां रखूंगी तुम्हारी, दूध पी के वहीं चलो, यहाँ भी गीला कर रहे हो, पी लो फटाफट, मैं अपनी दाल पीस रही हूँ, ये देखो फ्रेंड्स अभी मैं दाल पीसने जा रही हूँ, इसके बाद हमें बनाने हैं पकोड़े, पकोड़ी खिचड़ी खा लियो, इसके बाद भूख लगेगी तो खिचड़ी खा लियो, मानी खिचड़ी रखी काली दाल की, गिल्ले मत यहाँ मत आओ गिल्ले, किचन में फिसल जाओगे, गाइस यहाँ पर मेरी दाल पिस गई है और मैं वीडियो बनाने वाली थी, मैंने ट्राईपॉड भी रख लिया था बट फ़ोन आ गया था मेरा, ये मेरी पिस गई है और अभी मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा सोडा, ये देखिए थोड़ा सा सोडा डालने के बाद फिर मैं पकौड़ी बनाऊँगी इनकी, सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में पकौड़ी बनाने के लिए और ये मैंने हल्का सा सोडा डाल दिया है इसमें क्योंकि इससे ना ये अच्छे से फूल जाएंगी, नहीं तो ये रहता है ना कभी मतलब अच्छे से नहीं फूलें तो दिक्कत हो जाती है फिर इसमें, और ये अच्छे से फूल जाएंगी और फिर मैं इनको बना के ना पानी में डाल दूँगी, देखिए अच्छा सा मिक्सचर मैंने बना लिया है अच्छे से, पहले मैंने इनको पीस लिया था मिक्सी में और अभी मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, पकौड़ी बनाने के बाद मुझे बनाने ब्रेड पकौड़े और सिंपल वाली पकौड़ी, बस यही था आज के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने, और बच्चे बाहर होली खेल रहे हैं, बैलून वगैरह सब लगाए हुए हैं उन्होंने, मैंने अभी आप सबको वीडियो में दिखाया ही था, अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, इसमें मतलब दही खटाई मिक्स करके, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, ये रखी है हमारी दही और ये खटाई और ये मैंने पानी में डाल दिया पकौड़ी, तो चलिए अभी बना देते हैं बच्चों को, दे देते हैं बना के, वीडियो हो रही बंद, मैं सोच रही चल रही हूँ, ये हो गई है हमारी परफेक्ट ठंडी चाट, ये लो बच्चों बैठो नीचे नीचे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो धूप में बैठ जाओ नीचे धूप में, अब खा के देखो कैसी लगेगी, इधर बैठ इधर पार्थ, एक वन स्पून उठाइए निकालिए, एक स्पून निकाल, ये लो तब खा मत ना, मिक्स करके यार खा लो, देखो कैसी लगेगी खा के बताना कैसी है, खा लो खा के देखो कैसी,
अच्छी है। सो फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को भी यहाँ पर दे दी है, काफ़ी अच्छी बनी है ये। मतलब अभी जैसे कि मैंने अभी पकौड़ी बनाई थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। बच्चों ने खाई है तो बच्चे बता रहे थे, और मैंने इसमें दही खटाई और नमक मिर्च सब डाल। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। अपनी किचन में मुझे मैंने ब्रेड वगैरह कट कर लिए, क्योंकि अभी मुझे बनाने हैं ब्रेड के पकौड़े। और ये देखिए, बेसन को भी मैंने अच्छे से घोल लिया है, क्योंकि बेसन में ही उतरेंगे ना ब्रेड के पकौड़े, इसलिए बेसन को अच्छे से घोल के तभी मैं ब्रेड पकौड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। देखिए, कितनी सारी तरह की मैंने पकौड़ी बनाई है, और इन्होंने सबने खा भी लिए। ये खाली ब्रेड है, ये ब्रेड पकौड़ा है, ये ऐसे वाली ब्रेड पकौड़ी है, ये वाली गोल वाली आलू वाली पकौड़ी है, और वो ठंडी चाट बनाई है, और बच्चों ने सबने खा ली है। बस अभी मुझे बर्तन साफ करने हैं, फिर मैं भी बैठ के खा लूँगी। बर्तन बाकी है, लास्ट में बर्तन ही रह जाते हैं। वेलकम बैक टू माय मम्मा चैनल गाइस। यहां पर देखिए मम्मा ग्रीन स्क्रैप बुक में मम्मा ग्रीन यानी ग्रीन पेज पर लगा रही हूँ फेविकोल। देखिए गाइस, स्टेलिंग लाइन हो गई है। हाँ, ये क्या बना रही हूँ मैं, झोपड़ी वो मैचेस की तिलिया से। देखिए गाइस, तिलिया भी यहाँ पर बहुत सारी रखी है। यहाँ पर देखिए मम्मा अब फिर से फेविकोल खींचे, और इस बार भी मम्मा स्टैंडिंग लाइन ली है। फिर से स्टैंडिंग लाइन, ये देखिए गाइस। गाइस यहाँ पर देखिए मम्मा झोपड़ी कैसे बनाती है। मम्मा ये लो तीन माचिस। मम्मा अब लगा रही है माचिस, ये देखिए गाइस। सो गाइज, वानी को मिली थी स्क्रैप बुक पर झोपड़ी बनाने के लिए, वही झोपड़ी मैं वानी की बना रही थी माचिस की तिल्लियों से। और आज की ही मेरी छुट्टी थी, क्योंकि इस बार होली की छुट्टी हमें वन ही मिल पाई है, वन छुट्टी हमारी कट गई थी संडे में, तो मैंने सोचा आज इसी को बना देती हूँ। अभी खाना तो मुझे बनाना नहीं है, खाना थोड़ा सा लेट बनाते हैं ना शाम को, इसीलिए मैं वानी की झोपड़ी बना रही हूँ। सो गाइस, वानी की झोपड़ी देखिए बन चुकी है। यहाँ पर मैंने सन बना दिया है ऊपर की साइड, और झोपड़ी कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और पूरा वीडियो तो शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनने वाली थी, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप सब देखना पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा सा वीडियो का शूट किया है। सॉरी, झोपड़ी का मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट किया है बीच बीच में से, और वहाँ से जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में से शूट किया था, वहाँ मैंने स्पीड थोड़ी सी हाई कर दी है, ताकि जल्दी से आप सब देख पाए मैंने कैसी झोपड़ी बनाई है। मैंने बनाई है बहुत ही सुंदर झोपड़ी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ आप सब बताना आप सबको कमेंट में कैसी लगी। We'll be right back.
गाइस वेलकम बैक टू माय मम्मा चैनल। गाइस यहाँ पर मम्मा बना रही हैं पाट की बॉल, और पाट की बॉल में है रेड ग्रीन येलो, और उसकी मैम ने कहा है। और मम्मा मेरे बुक्स पर कवर चढ़ा रही है। और देखिए आज मैंने पहनी है न्यू ड्रेस। देखिए गाइस आपको दिखाते हैं कि मम्मा पार्टी, ये देखिए यहाँ पर मम्मा का ग्रीन कलर और ग्रीन कलर ऐसा लग रहा है जैसे ब्लू कलर है। मम्मा मेरे बुक्स पर भी कवर चढ़ा दियो ना। हाँ, देखिए कितना सुंदर हो रहा है। और देखिए गाइस कवर, अब मम्मा इसको बंद कर रही है और अब हम आपको दिखाते हैं कवर। ये है कवर, देखिए गाइस ये है कवर पूरा। गाइस ये देखिए यहाँ पर मम्मा लिख रही हैं, यहाँ पर मम्मा ब्लैक पेन से पार्ट की पेंसिल पर ब्लैक पेन फेंक दें ताकि वो और सुंदर लगे, है ना मम्मा। और देखेंगे पार्ट को इस पर गुड मिलेगा कि नहीं या वेरी गुड मिलेगा। तुझे क्या मिला वो बनाई थी हट? मुझे तो गुड मिला है। सो गाइस अभी हो गई है रात, बच्चों के मैंने बुक्स और कॉपियों पर किए हैं कवर। कवर करने के बाद पार्थ की बनाई है बॉल और वानी की दोपहर के टाइम बनाई थी हट, मतलब बच्चों का काम तो लगा ही रहता है। तो अभी हो गई है रात, खाना वगैरह सबने खा लिया है, सब लेट गए हैं। और आज वानी के डैडी ऑल आउट लाना भूल गए थे, तो मैं ये जो होती है ना अगरबत्ती से जो होती है वही जला रही थी। मैंने कहा रात को मच्छर नहीं लगे, ये आलू में लगाई जाती है तो आलू में मैं लगा रही थी इसको। और मैं अभी बस सोने ही जा रही हूँ, अभी देखिए सब लेट गए हैं, वानी भी सो गई है, पार्थ भी सो गया है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई, 10:30 बज चुके थे। फिर बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना होता है इसलिए मैंने इनको लिटा दिया है वानी के डैडी। और मैं भी बस सोने ही जा रही थी कि मुझे बहुत बुरी एक खबर मिली है। मेरा होली का दिन बहुत अच्छा था, फर्स्ट डे भी और सेकंड डे भी, लेकिन शाम को मुझे इतनी बुरी खबर मिली है, बहुत ही बुरी, बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं इसको लेकर। यह पूरी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्या हुआ है मेरे साथ, कब हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ मैं 2 दिन से। सो आज के व्लॉग का यहाँ पर करते हैं एंड। यार ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में